तीनों से जुपिटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड के प्रमंडलों के विषय में पढ़ेंगे। तो झारखंड में बेसिकली 5 प्रमंडल हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रमंडल होता क्या है। तो जैसे किसी कंपनी को चलाने के लिए उसे विभिन्न डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है, उसी तरह किसी स्टेट को चलाने के लिए भी उसे विभिन्न प्रमंडलों में बांट दिया जाता है। ये है झारखंड के 5 प्रमंडल, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। कोल्हान प्रमंडल, संथाल परगना, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू प्रमंडल, ये 5 प्रमंडल हैं। आइए इनके विषय में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम ये क्यों जानना जरूरी है, इन्हीं प्रमंडलों के थ्रू पूरा मैप को याद रख सकते हैं कि कौन, हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से प्रमंडल में कौन सा जिला था। और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछ जाता है कि पलामू प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं, है ना। कोई भी प्रमंडल दे देगा, पूछ देगा कि आप ये इसमें प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं, ऑप्शन दे देगा विभिन्न जिलों के नाम, डिस्ट्रिक्ट के नाम, और आपको टिक मारना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले कोल्हान प्रमंडल की से बात करते हैं। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। 3 जिले कोल्हान में आते हैं, 3 जिले पलामू में आते हैं, और 5 जिले आते हैं दक्षिणी छोटानागपुर में, 6 जिले आते हैं संथाल परगना में, और 7 जिले आते हैं उत्तरी छोटानागपुर में। तो 6 3 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 7 24, तो 24 जिले टोटल हैं, ठीक है। तो कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। कैसे याद रखेंगे, तो इन्हें याद रखने के लिए मैंने कुछ सेंटेंस को डेवलप किया है जिसके थ्रू मैं इनको याद रखता हूँ। आपको, आपके साथ में ये शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल में ये पूर्वी दक्षिणी सिंहभूम, ये पूर्वी सिंहभूम, ये सरायकेला। तो सपोज करिए कि 2 शेर शाकाहारी हो गए, अचानक से 2 शेर शाकाहारी हो गए और जंगल में ना केला खाने लगे। तो 2 शेर शाकाहारी हो गए कहने का मतलब, 2 शेर से मेरा तात्पर्य है दक्षिणी, ये है दक्षिणी सिंहभूम, ये पूर्वी सिंहभूम, ये सरायकेला। 2 शेर से तात्पर्य है 2 सिंहभूम, 2 शेर, और केला से तात्पर्य सरायकेला। तो 2 से शाकाहारी हो गए और जंगल में केला खाने लगे। अब बात करते हैं पलामू प्रमंडल के विषय में। तो पलामू प्रमंडल में भी 3 जिले आते हैं। सपोज करिए कि आपका एक पालू, पालू नाम का आपका दोस्त है जिसको आप लात मारे और वो गड्ढे में गिर जा रहा है, है ना। तो आपने लात मारी, आपने पालू को लात मारी, गिर गया गड्ढे में। तो लात से तात्पर्य लातेहार, पालू से तात्पर्य पलामू, और गड्ढे से तात्पर्य गढ़वा। तो ये है लातेहार, लातेहार, ये है पलामू, ये है गढ़वा, गढ़वा जिला। आपने लात मारी, पालू गिर गया गड्ढे में, लातेहार, पलामू, गढ़वा, ठीक है, गॉट इट। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग संथाल परगना प्रमंडल। आपने एक मूवी तो देखा ही होगा, साहेब बीवी और गैंगस्टर, है ना। तो इसे याद रखने के लिए मैंने भी एक सेंटेंस बनाया जो इसी मूवी से रिलेटेड है, जिसका नाम है साहेब डीजे और गैंगस्टर। साहेब डीजे और गैंगस्टर धुमुक धुमुक नाच रहे हैं पाकुड़ में, साहेब बीबी और गैंगस्टर, साहेब डीजे और गैंगस्टर धुमुक धुमुक नाच रहे हैं पाकुड़ में। तो साहेब, साहेब से साहेबगंज, 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 साहेब डीजे, डीजे साथ में रहेगा, डीजे देवघर, देवघर और जमताड़ा,
जंतारा। जंतारा साहेब डीजे गैंगस्टर, यह गैंगस्टर जी से गोड्डा, गोड्डा। धुमुक धुमुक नाच रहे हैं पाकुड़ में, दुमका में, धुमुक धुमुक से दुमका। कहाँ नाच रहे हैं? पाकुड़ में। पाकुड़ में। तो क्या है सेंटेंस? साहेब डीजे और गैंगस्टर धुमुक धुमुक नाच रहे हैं पाकुड़ में। ठीक है, तो आइए दसवीं छोटा नागपुर के, दसवीं छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में बात करते हैं। दसवीं छोटा नागपुर प्रमंडल में पांच जिले आते हैं। तो पांच जिले कौन कौन से हैं, इसको याद रखने के लिए एक सेंटेंस है कि ध्वनि गए जगन्नाथ मंदिर, खुट्टी में खाए खाना, गुमला में मैच खेले और लोला सीमा है उनका दीवाना। ध्वनि कहाँ से है? रांची से। ध्वनि गए जगन्नाथ मंदिर, खुट्टी में खाए खाना, गुमला में मैच खेले, लोला सीमा उनका दीवाना। ध्वनि कहाँ से है? ध्वनि है रांची से। तो ये है रांची। रांची कहाँ मैच खेल रहे हैं? खुटी में। तो ये खुटी, खुटी नहीं, खुटी में खाना खा रहे हैं। धोनी के जगन्नाथ मंदिर, खुटी में खाए खाना, गुमला में मैच खेले, ये गुमला, गुमला में मैच खेले, लोला सीमा का दीवाना। लोला बोलने का मतलब है लोहरदगा, और सीमा है सिमडेगा, देगा। तो ध्वनि गए रांची, खुट्टी में खाए खाना, गुमला में मैच खेले, लोला सीमा उनका दीवाना, ये लोला सीमा उनका दीवाना। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में सात जिले आते हैं। तो इन सात जिलों को कैसे याद रखेंगे? तो इसका सेंटेंस है, हम चार दोस्त हरिगिरी राम बोक्का, हम चार दोस्त हरिगिरी राम बोक्का, गए कोलुआ हिल, कोडाक से फोटो खींचे, बोका चिल्लाए धनवा धनवा धनवा। क्या है, फिर से दोहराता हूं, हम चार दोस्त हरिगिरी राम बोक्का, गए कोलुआ हिल, कोडाक से फोटो खींचे, बोका चिल्लाए धनवा धनवा धनवा। तो हम चार दोस्त हरी गिरी राम भोका, हरी गिरी राम भोका। हरी कौन है? हजारीबाग, हजारीबाग। गिरी है गिरिडीह, गिरी। हरी गिरी राम भोका, रामगढ़। भोका बोकारो। हरी गिरी राम भोका कहाँ गए? कोल्हुआ हिल। कोल्हुआ हिल चतरा में, ठीक है, चतरा में कोल्हुआ हिल है। चतरा कौन सा हिल है यहाँ? कोल्हुआ हिल है, कोल्हुआ हिल है। गए कोल्हुआ हिल, कोडाक से फोटो खींचे, कोडरमा, कोडरमा, कोडाक से फोटो खींचे। अब बोका चिल्ला रहा है धनवा, धनवा बोका की गर्लफ्रेंड है। तो पहाड़ी पर जाकर वो चिल्लाते हैं ना, तो आवाज वापस आता है, तो वही बोका चिल्ला रहा है धनवा धनवा धनवा। यह है धनबाद। रिपीट कर देता हूं एक बार, हम चार दोस्त हजार, हम चार दोस्त हरी गिरी राम बोक्का, हरी गिरी राम बोक्का, गए कोल्हुआ हिल, चतरा गए कोल्हुआ हिल, कोडाक से फोटो खींचे, कोडरमा, कोडाक से फोटो खींचे, बोका चिल्लाए धनवा धनवा धनवा। देखियो दोनों कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो दोनों साथ में, बोका और धनबाद।
धनवा, बुकारो बुका और धनवा, बुकारो धनबाद साथ में, ओके गॉट इट। तो ऐसे हम लोग पूरे झारखंड के जिलों को याद रख सकते हैं। हम लोग पूरा झारखंड मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे, चाहे वो झारखंड का भूगोल हो, झारखंड की अर्थव्यवस्था हो, झारखंड की खेती हो, झारखंड की खनिज संपदा हो, एवरीथिंग हम लोग मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे। मैप के थ्रू पढ़ने से सब कुछ याद रहता है, पूरा माइंड में छप जाना चाहिए मैप आपका, ओके। जैसे कि हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो हम लोग को महीनों तक याद रहता है ना, क्योंकि मूवी में हम लोग स्टोरी के साथ साथ इमेज भी देखते हैं, इमेज इमेज के माध्यम से पूरे कहानी को देखते हैं। तो वो इमेज हम लोग के दिमाग में बनता है जब हम उसको याद करते हैं, तो ठीक है, तो इसलिए वो हम लोग को लंबे टाइम तक याद रहता है। उसी तरह अगर हम लोग पढ़ाई को भी इसी तरह पढ़ें, उनको इमेज के माध्यम से थोड़ा इमेज को रिवाइज करें, तो वो हमारे दिमाग में रहेगा और हमें लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो हम लोग मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ एक इमेज के माध्यम से पढ़ाऊं, ताकि आप सभी कुछ अच्छे से याद रख पाए और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए और झारखंड के विषय में भी अच्छी जानकारी रख पाए, ओके। धन्यवाद, जय हिंद।